तो सो गाइस यहाँ पे एक तो नाश्ता ब्रेक लिए हैं गाइस, देयर वी हैव डोसा लेकर डोसा मतलब टेस्ट है, मतलब कैसा है, क्या है क्या नहीं है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब से होंगे। तो हम लोग अभी निकलेंगे विशाखापट्टनम के लिए। तो अब टाइम हो रहा है 8:25 या 8:20 होगा गाइस, एक सेकंड गाइस, एक मिनट बता देता हूँ आपको रियल टाइम में कितना हो रहा है। 8:28 हो रहा है गाइस अभी तो फिलहाल। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। और बंदन में निकला भाई, गर्मी है यहाँ पे सामलपाठा में बहुत, सामने धूप पड़ रहा है और गर्मी का एहसास हो रहा है। बंदन में निकले हुए और क्या करें, आप लोगों को दिखाना है ब्लॉग तो अच्छा अच्छा। तो सुबह तो उठना पड़ेगा, सुबह मतलब। तो ठीक है, बने रहिए आप लोग। तो जाएंगे विशाखापट्टनम के लिए, 9 बजे का प्लान है। तो देखते हैं 10 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अरे यार कितना गर्मी है यार। चलो तो सो गाइस, वी रेडी टू लीव फ्रॉम सामलकोटा। तो चलो चलते हैं और मेन रोड ट्रिप आपको दिखाऊंगा, कैसा अच्छा अच्छा सीन्स नज़ारे होगा तो दिखाऊंगा। तो चलो बने रहिए मेरे ब्लॉग में आप लोग। सामलकोटा टू विशाखापट्टनम जर्नी बिगेंस। तो चलो चलते हैं बाय रोड। तो रेडी हो चुके हैं पूरा कपड़ा वड़ा पहन के। तो अभी चलो चलते हैं अपना विशाखापट्टनम, यानी वाइजाग बोला जाता है शायद। तो चलो विशाखापट्टनम चलते हैं।
गाइस आप लोग पेट्रोल के बाद ब्रेक ले आए, खूब अच्छी जो नज़ारा है अच्छा लग रहा होगा समल कॉट विशाखापट्टनम का। तो चलते हैं आप लोग कंटिन्यू करते हैं, तो आप टॉयलेट ब्रेक लिए हैं पेट्रोल टैंक के पास, तो चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं अभी अपना ब्लॉग। यहाँ पे तो नाश्ता ब्रेक लिए हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, अभी टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास, तो 11:30 तो देखते हैं। यहाँ पे नाश्ता ब्रेक लिए हैं, आपको दुकान अगर अच्छा लगा इसका तो आप लोगों को हम लोकेशन बता दूँगा। तो गाइस देयर वी हैव डोसा, प्लेन डोसा, इसका देखते देखो आप लोग कैसा है, चटनी वटनी को टेस्ट करके बताता हूँ अभी। तो अपना यहाँ पे उदुपी देख लो सामने, उदुपी और इसका यहाँ पे डोसा, तो देखते हैं अच्छा लगा तो लोकेशन बता दूंगा। तो टेस्ट करो मतलब कैसा है क्या नहीं है, नाश्ता लीजिए। बहुत अच्छा है भाई, टेस्टी तो है बट और ट्राई कर दो सांभर का। इसका खाना बहुत अच्छा है गाइस, डोसा मगर प्लेट वेज वेरी टेस्टी यार। तभी इसका लोकेशन कहाँ है बताता हूँ अभी, चलो। तो गाइस अपना ये NH है 217 NH, देख लो यहाँ पे अपना ये होटल उदुपी जैसे देख सकते हो। सॉरी यार, तो ये अपना होटल है उदुपी, यहाँ पे अपना मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये अपना गाड़ी से आए हैं, ये वाला टायोटा का है 4 सीटर, तो ऐसा है कुछ यहाँ पे अपना होटल। तो अभी चलते हैं बीच मार क्या नज़ारा मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, इसका बोर्ड दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देखिए अपना होटल उदुपी ये वाला है, तेलुगु में लिखा है बट यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है उदुपी। बहुत अच्छा खाना गाइस, आप लोग आइए यहाँ पर, ऐसा कुछ अपना अंदर का नज़ारा। और यहाँ पे मेरा मम्मी है, मम्मी हाय बोलो। तो ये है कुछ अंदर का नज़ारा, ये है पुरुषोत्तम ब्लॉग्स और वहाँ पे तो ऐसा यहाँ पर नज़ारा और कुछ, चलो अच्छा नज़ारा दिखाता हूँ आपको अभी रास्ते में। उदुपी रेस्टोरेंट जो है पुणे पुणे आंध्र प्रदेश में है, पड़ जाएगा NH 217 NH। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी चलते नज़ारा दिखाते वो भाई, यहाँ से निकलते ना पूरा सर फट जा रहा है इतना गर्मी है भाई। चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, और बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है।
आएगा, बट हम तो अभी अपना गेस्ट हाउस में आ चुके हैं, तो अपना साब में आज इसको सिस्टर जो कि पता है, जो कि शालीमार सिकंदराबाद गए थे इसको सिस्टर, वही वाला रिटर्न में विशाखापट्टनम से जब आपको बोला था अपना जो इसी एक्सप्रेस में विशाखापट्टनम जंक्शन में, तो देखते हैं वहीं का अगर मानो ट्रेन का विशाखापट्टनम स्टेशन का कुछ दिखाएंगे ढंग से तो, बट तो मानो अभी शाम अभी कहीं मान शाम में जाते हैं तो वो आपको दिखा देंगे, अदरवाइज डायरेक्ट कंटिन्यू फ्रॉम दी विशाखापट्टनम जंक्शन स्टेशन। थोड़ा शांत रहो यार, तो बाय बाय, आई होप यू लाइक माई वीडियो, तो देन तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।